हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो आज का व्लॉग करते हैं खाने से शुरू। जी हाँ, तो आज खाने में मैं बना रही हूँ दाल वाली पूड़ियाँ और साथ में बनाऊँगी आलू की भंडारे वाली सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल वाली और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हींग जीरे में छुकी हुई। सो गाइस, यहाँ पर अभी वही बनाते हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी अच्छे से हो गई थी, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है आलू गलने के लिए, और यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो गया है। सो गाइस, बनकर के तैयार है मेरी दाल वाली पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी, हींग जीरे वाली आलू की सब्ज़ी, जिसमें मैंने हरा धनिया नहीं डाला अभी। तो आप लोग आ जाए, मुझे तो लग रही है बहुत ज़ोर की भूख, क्योंकि आज मैंने नहीं खाया है खाना पूरे दिन से। और टाइम बता दूँ आप लोगों को, ये शाम के 7 बज रहे हैं। तो अब मैं लंच कर रही हूँ, प्लस डिनर दोनों ही है मेरा, लंच और डिनर दोनों ही है। शाम के 7 बजे खाना खा रही हूँ मैं। तो गाइस, खाना वाना खाने के बाद अब मैं किचन को क्लीन करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है ना। हाँ यार, मैं हमेशा हर व्लॉग में यही बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा हो ही जाती है डेली ही, और पल पल पे हम लोग को जो है सफाई करनी पड़ती है। बार बार से कपड़ा लेकर मैं तुरंत किचन में, कहीं कुछ अगर गंदा दिखता है, कहीं डस्टिंग दिखती है, तो मैं तुरंत वहाँ पर कपड़ा लेकर पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, पहले भी बर्तन जमा रही थी, बर्तनों में जो है जमा तो रही थी, लेकिन इस टाइम पर फिर मुझे धूल दिखी, मेरा मन नहीं माना, तो यार पहले क्लीन कर लेते हैं उसको, फिर उसके बाद बर्तन जमाऊँगी अच्छे से। तो यहाँ पे कपड़ा लेकर फिर मैं ना आ गई हूँ यहाँ किचन में, और ये जो बर्तनों का स्टैंड था उसको क्लीन कर दी हूँ, फिर उसके बाद बर्तन जमाऊँगी, फिर उसके बाद बर्तन धोऊँगी। तो ऐसा है, जहाँ पे भी मुझे दिख रही है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें। मैं ये सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी इस काम को ख़त्म करवाएँ, ताकि थोड़ा सा घर में साफ़ सफाई हो। और जब घर में काम चलता है ना, तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है अभी मुझे इस टाइम पे, तो कि कहीं मैं चले जाऊँ कुछ दिनों के लिए और घर में काम चलता रहे, वरना मुझे बिल्कुल भी धूल मिट्टी पसंद नहीं है। और ना बस अभी मैं खिड़कियों को भी क्लीन कर दूँगी, और यहाँ पर ये पूरा जहाँ पर हम लोग बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं ना, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऐसा मिट्टी मिट्टी सा हो गया था। तो यहाँ पर अभी बर्तन को क्लीन करते हैं, पूरा जो है साफ़ सफाई हो जाएगी। होरेन की रोने की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रही है मेरे को। सो गाइस, यहाँ पे ना होरेन मुझे वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं करने दे रही है, वो बोल रही है मेरे साथ खेलो, लेकिन मुझे वीडियो एडिट करनी है और आप लोगों तक पहुँचानी है। तो गाइस, ये हो गया है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर ना मैंने बालों में एलोवेरा लगा कर रखा हुआ है, और फिर मैंने आज जो है अपना थोड़ा सा क्लीनिंग भी की है, फेस की स्क्रब किया है, फेस पैक लगाया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मम्मी बना रही थी खाना, मैंने अपने लिए बनने के लिए रखा है दलिया, उसको मैं खाऊँगी। और यहाँ पर हारून और चाचू लेटे हुए हैं, यहाँ चाचू की चल रही है मीटिंग, और ये आराम से सुन रहे हैं कौन बोल रहा है। तो गाइस, मैंने नहा लिया है और नहा कर मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे ये है मेरा नाश्ता। मैंने बनाया है आज दलिया, बहुत टाइम के बाद आज मैं दूध दलिया खा रही हूँ, तो मेरे को दलिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज वही खाएँगे। बाल कहाँ से आया है, तो आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि जैकी भाई का फ़ोन रखा हुआ है, मीटिंग चल रही होंगी, वो फ़ोन रख के चले गए हैं अभी, तो यहाँ पे उन्हीं की आवाज़ आ रही है। चलो तो गाइस, नाश्ता वाश्ता करने के बाद अचानक से मम्मी ने बोला कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा, तो इसलिए जो है हम लोग निकल आए वहाँ से, और अचानक से हमारा प्लान बना, तो फिर जल्दी जल्दी से रेडी होकर के निकले हैं नाश्ता करके। तो जहाँ जा रहे हैं वो बताऊँगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, जब हमारा वो काम पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊँगी आप लोगों को। और यहाँ पर जब हम दरगाह आए हुए थे, तो यहाँ पर चादर आ रही थी बहुत बड़ी, तो आज जो है बाबा की छठी भी थी, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी दिख रही थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत जो है वीडियो शूट कर लिया है। और तो गाइस, अब यहाँ से चलते हैं घर, और घर पहुँच के मैं आप लोगों से। तो गाइस, अभी आ गए घर। हाँ, आ जाओ। तो गाइस, अभी आ गए घर, और हम लोग कहाँ गए थे वो आप लोगों को बताएंगे बाद में। तो जब गए थे तो मैंने सोचा था अपना व्लॉग शूट कर लूँगी, लेकिन वहाँ पे भी व्लॉग शूट नहीं किया। और जब गए थे तो रूम की हालत देखो, कुछ ऐसी हो रखी है हमारे रूम की हालत, और
मैंने वही न्यू वाली कुर्ती पहनी हुई है, इतनी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ये वाली कुर्ती। इसका ये बॉर्डर, ये डिज़ाइन ऐसा। तो जब आप ये आए, अभी हम लोग आए तो भाभी ने ला के दिए चाय, अब चाय पियेंगे। क्या अच्छी लग रही है ना, वाकई अच्छी लग रही है। पता है इसके साथ, हाँ मेरे को ऐसा कलर चाहिए था, मेरे पास इस कलर में कहीं नहीं। इसका पैंट दिखाऊं तो मैं कैसा है, तो इसका ये लेगिंग्स लगवा लूँगी। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने आप को कांच में देख रही थी, जो कि सूट मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाया है इसमें फुल में, और वैसे पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था ये। और यहाँ पर हुरैन देख रही थी टाइम, तो हारून को खिला रही थी गोद में लेकर के, वो मम्मी ने बैठा दिया था उसकी गोद में। और यहाँ पर दोनों ही राइम्स देख रहे हैं, लेकिन बाद में जो है हुरैन हट गई थी वहाँ से, तो ऐसा चल रहा था बच्चों का। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, और अभी हुरैन उठ गई है तो मेरे को देख रही है वो। तो मेरा ऐसा मन ही नहीं हुआ, पता है जब सुबह से स्टार्टिंग कर लो ना तो फिर कंटिन्यूसली ब्लॉग चलता रहता है, फिर अगर रोक दो वहीं पे या फिर कुछ रीज़न की वजह से शूट नहीं कर पाओ तो फिर ना ब्लॉग रह ही जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो व्लॉग है ना ये पूरे 2 दिन का व्लॉग आएगा, तब जाकर आप लोगों को मिलेगा। तो अभी तो फ़िलहाल जो है मैं उठ गई हूँ, और हुरैन भी अभी उठ ही गई है, तो मैं आप लोगों को आगे का काम दिखाती हूँ कि हमारा जो फ्लोरिंग का काम था वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। क्या हुआ? तो यहाँ का जो फ्लोर का काम था ना वो तो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ स्टेयर्स वगैरह रह गए हैं। तो ये यहाँ का, ये देखो फ्लोरिंग कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे क्यों घिस दिया, ये घिस गया, ये पूरा घिस गया। कल होगा मतलब, अभी वैसे भर रहे हैं। अच्छा, वही तो मुझे लगा कि पहले घिसेंगे उसके बाद वो होगा। तो यहाँ पे भैया लोग लगे हुए हैं फुटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे वो भी काम चल रहा है, और उधर साइड वाले पोर्शन में चल रहा है हमारा ग्रेनाइट वाला काम, वही फ्लोरिंग वाला। तो इधर साइड पर तो सारा कंप्लीट हमने पहले ही करवा लिया है, उसके बाद उधर साइड जाएंगे। तो यहाँ दिखाती हूँ आप लोगों को, हालत कुछ ऐसी हो रखी है भैया, ये लगने के बाद फिर घिसाई होगी ना पूरी, फिर प्राइमर डलेगा। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। चलो, तो यहाँ पे तो अभी पुट्टी दोबारा से की जा रही है थोड़ी थोड़ी, फिर उसके बाद घिसाई होगी। और यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या काम चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ये वाला काम। तो यहाँ पे अंकल दहलीज, तो यहाँ पे दहलीज बन रही है, ये घर में काम चल रहा है। ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, ये यहाँ पे हुरैन उठ गई है। क्यों कहे को रो रही थी? कहे को रो रही हो? काम चल रहा है अपने, देखो जरा भैया कह रही कब खत्म होगा ये काम, ये भी रो रहे हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं हमारे घर के, ये कब खत्म होगा ये काम, बहुत दिन हो गए अब तो यार, जल्दी खत्म करो। बिट्टो बस रोना रोना रोना, इनको भी रोना रोना, और सोना वोना है नहीं, बस 5 मिनट की नींद लेते हैं ये। और तुम जो सुबह फजर के बाद सोई हो, मतलब झूला लगा दू।
सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला बैग क्यों खोला है, वो मैंने इसलिए खोला है क्योंकि हुरैन के मुझे निकाले हैं वूलन कपड़े। और गाइस ये मैंने इस वाले क्या बोलते हैं इसको झोले में क्यों रखा है, मतलब बैग में क्यों रखे हैं, क्योंकि ना ये हुरैन के सारे कपड़े जो भी इसके बर्थडे गिफ्ट मिले थे ना फर्स्ट बर्थडे पे, तो वो भरे हुए थे सारे कार्टून में, और कार्टून रखा हुआ था। तो मैं बता देती हूँ, जो भी सारे कपड़े आए थे ना वो मैंने सारे एक बड़े से कार्टून में भर के रख दिए थे। तो अभी जो है ना घर में काम चल रहा है, तो उसके चक्कर में जो है इतने सारे मतलब चूहे पैदा हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो वो क्या है ना उस कार्टून को फाड़ रहे थे, आवाज़ आ रही थी मुझे। फिर मैंने सोचा कि यार कपड़े वगैरह देख लेती हूँ कहीं कपड़े तो नहीं काट दिए इसने, क्योंकि हमारे जो ऊपर कट्टे वगैरह रखे हैं ना सामान के, तो वहाँ पे भी चूहे बहुत सारे हो गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने काट दिए हैं कुछ कपड़े वगैरह, तो वो कुछ अब पहनने लायक नहीं रहे। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे न्यू ड्रेसेस जो भी थे वो सब कट चुके हैं, तो वो कुछ भी मतलब बनाने लायक तो वो बचे ही नहीं हैं, तो इसलिए हैं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो यार इसको भी देख लेती, क्योंकि चूहों को कोई भरोसा नहीं है। तो जब इनको देखा तो कार्टून पूरा उन्होंने काट दिया था, और डिब्बों के अंदर कपड़े जो नए नए कपड़े रखे हुए थे वो डिब्बे भी कट चुके थे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हुरैन के जो कपड़े थे वो बच गए, मतलब कपड़े नहीं कट पाए। उससे पहले ही मैंने वो बॉक्स देख लिया, तो फिर मैंने सोचा कि यार उधर रखने से अच्छा है, मतलब उधर की किचन में रखे हुए थे, तो उधर की किचन से अच्छा है यार मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ अपना, जहाँ पे मेरा और भी सारा सामान रखा हुआ है। तो इसलिए मैंने ना इस वाले कट्टे में सारे कपड़े भर के रख दिए, और अब मैं इसके ना ये वूलन वाले कपड़े निकाल रही हूँ। इसमें भी हैं हुरैन के कपड़े, और ये हैं कुछ, ये हैं कुछ हाईनेक वगैरह हैं, तो ये अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब पहनेंगी हुरैन। और कुछ कपड़े इसमें भी हैं वूलन वाले, और कुछ कपड़े इसमें भी हैं, फ्रॉक वगैरह मैंने इसमें रखी हुई हैं हुरैन की, तो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो इस तरह से मैंने ये पूरे एक बैग बना दिया ताकि मुझे अलग अलग से उठाना ना पड़े, है ना। तो अब मैं ये पूरे ही बैग को जो है यहाँ रख दूँगी, ताकि मेरा सामान एकदम सेफ बचा रहेगा चूहों से। पिंजरे हमने मंगाए हुए हैं, पिंजरे जो आते हैं चूहों वाले वो मंगाए हुए हैं, तो वो हम रख देते तो उसके अंदर आ जाते, तो फिर हम कहीं और जाकर उनको छोड़ आते हैं। सभी मैं इसको रख देती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोग इस थोड़ी सी देर में। तो गाइज़ मैंने वो सब रख दिया है, और डेट तो नहीं बताई है, लेकिन आप ही बता दो तो मैं बता देती हूँ। जिशान की शादी की डेट फाइनल तो हो चुकी है, लेकिन अभी हम लोगों को भी नहीं पता है, तो इसलिए जो है पीली चिट्ठी का लाइट गई, लाइट ऑन करती हूँ मैं। ओ तो गाइस आप लोगों से बातें करते करते मम्मी की आवाज़ आई कि इन्वर्टर बंद हो गया है देख ले, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है डर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हुई आगे बढ़ी, और यहाँ पर मैंने प्लग ऑन और इन किया, और उसके बाद जो है लाइट फिर भी नहीं आई, और पता नहीं क्यों नहीं आई है, इन्वर्टर भी बंद पड़ा था हमारा, लाइट के साथ साथ इन्वर्टर भी गया। तुम बोलो क्या कह रही हो, क्या कह रही है। तो शादी की जब पीली चिट्ठी आएगी तो उसमें होती है डेट, तो शादी की डेट उस टाइम पे पता चल ही जाएगी। तो गाइस चलिए अब रूम की साफ सफाई कर लेते हैं, और बस आज हमारे यहाँ पे ना लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करी, तो पता नहीं आप लोगों को ये वीडियो कब तक मिल पाएगा, अगर लेट हो जाऊँ तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।